अजब गजब आदमी करके व्यंग संग्रह निकाली, बदलाव नाटक वाहल सोना के चिरई भार, अरे बिखरल बिखरो लकहल ज्ञान। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, उसे लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति क्या है, आप समझिए कि शिक्षा का आपका बैंक अकाउंट खुल गया है। पहले शिक्षा नीति LIC थी जिसमें प्रीमियम जमा होता था, अब के शिक्षा नीति में सेविंग अकाउंट है, आपकी शिक्षा एक अकाउंट में जमा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, मैं अभय कुमार। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद अलकदेव प्रसाद अचल जी, जो नई शिक्षा नीति के बारे में सबसे पहले बताएंगे। 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा पर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से सरकार आई तब से 4% से ये आगे खर्च नहीं कर सकी। अब नई शिक्षा नीति आई है, सवाल ये है कि अगर खर्च करती है सरकार तब तो ठीक है, अगर नहीं खर्च करती है तो जब बजट नहीं आएगा तो चाहे पॉलिसी कितनी भी अच्छी बन जाए उसमें मैं समझता हूं कि वो उसे कुछ शिक्षा में कोई बदलाव और विकास होने वाला नहीं। बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि 6% खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है। आप चूंकि मगही के भी जानकार हैं तो आप, और इस नई शिक्षा नीति में लोकल लैंग्वेज मातृभाषा को महत्व दिया गया है, इस संबंध में आप मेरे दर्शकों के इस बारे में बताइए। जहां तक आपने कहा लोक भाषा की बात, और ये है कि प्राइमरी सेक्शन में लोक भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें दो बातें हैं, एक बात यह है कि अगर पहले से जो सरकारी विद्यालय चल रहे थे उसमें अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती थी, उसके लिए लोग प्राइवेट में वो जा रहे थे, तो एक जो दोरंगी शिक्षा नीति जो चल रही थी कि प्राइवेट विद्यालयों को भी बढ़ावा दे रही थी सरकार और सरकारी विद्यालय में भी जो पढ़ाई हो रही थी उसमें अंग्रेजी की कहीं पढ़ाई नहीं हो रही थी, 6ठी क्लास के बाद से अंग्रेजी लोग पढ़ते थे। तो ग्लोबलाइजेशन की ये दुनिया है उसमें लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में अगर लोकल भाषा को अगर अधिक बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि वो राष्ट्रभाषा का भी विकास नहीं हो सकेगा, और जो आज जो कह रहे हैं ग्लोबल भाषा के रूप में अंग्रेजी के बारे में लोग सोचते हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे ये लगता और है। और यह राजनीतिक विषय है, मैं इस राजनीतिक विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सर जो स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, जो शिक्षा नीति बनाई गई है इसमें 6ठी क्लास से बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, नई नीति रोजगार परख शिक्षा लेंगे और उनके अकाउंट में जमा होता है, अगर 6 महीना कोई चीज काम किए सीखे हैं तो उनके अकाउंट में शिक्षा का एक बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें जमा हो जाएगा, उसको बाद में जब भंजा सकते हैं, सामान्य भाषा में वही समझ सकते हैं। नई शिक्षा नीति का ऐसा है कि ये जो वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें चाइना जापान जिस तरह से वहाँ के बच्चे बचपन से ही प्रोडक्टिव चीज का शिक्षा लेते हैं, उसको सीखते हैं, और चाइना और जापान में अंग्रेजी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, चाइना जापान जो भी है अपनी भाषा में ही पढ़ाई करवाते हैं, शायद वहाँ से प्रेरणा मिली होगी। सर आप तो मगही के शिक्षक हैं, मगही के जानकार हैं, आपका मदर टंग मगही है, तो उस मगही को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, इस परिदृश्य में आप क्या सोचते हैं? कि इस परिदृश्य में मैं यही सोचता हूं कि जब मगही पढ़ाई होगी तो मगही शिक्षक चाहिए, लेकिन पिछली दफा जब बहाली हुई थी TET की उसमें 10 लोग क्वालिफाई किए थे, 10 लोग क्वालिफाई भी कर गए थे कंपटीशन देके, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बहाली इसलिए नहीं हुई कि मगही की सीट हमारे यहाँ नहीं है। तो सवाल यह है कि आज अगर नई शिक्षा नीति के तहत अगर स्कूलों में अगर पढ़ाई होगी तो उसके शिक्षक चाहिए, और शिक्षक चाहिए तो कुछ ऐसे भी हमारे जो विद्यार्थी रहे हैं जो डिस्टिंक्शन मार्क्स से BA ऑनर्स पास किए थे मगही से, आज सभी का सभी जीवन चौपट हो गया, आज इंटर में भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, BA में भी आज पढ़ते हैं, लेकिन
ये लोक भाषा को बढ़ावा सरकार नहीं दे सकी, परिणाम है कि फिर आगे चलकर दूसर विषय से आगे बढ़ते हैं, मगही छोड़ देते हैं। प्रयास तो यही है कि उस गलती को सुधारा जाए। अगर आपका ये शिकायत है कि जो मगही पढ़ चुके, जो लोकल भाषा में डिग्री ले चुके हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, इस चलते इस भाषा का विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब तो एक प्रयास है कि अब उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि स्कूलों में अब लोकल भाषा पढ़ाई जाएगी, लोकल भाषा में पढ़ाई होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार की कोई नीति गलत नहीं होती है, उसका कार्यान्वयन जो होता है उसमें गलत या सही होता है। अब अगर सरकार उसको कंप्लीमेंट करती है अगर सही तरीके से, तो ऐसा नहीं है, बेहतर हो सकता है। इसमें हम ये नहीं कह रहा है कि गलत ही है, लेकिन कंप्लीमेंट अगर करे सरकार तो अच्छा। सर ने नीतियों को सही बताया, बोले सरकार की नीति सही होती है लेकिन इंप्लीमेंट सही ढंग से होना चाहिए। बात भी सही है, जब तक नीतियां खूब अच्छा बनेगा, जब तक उसे इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं होगा, सरकार के सामने यह अग्नि परीक्षा है कि इस नीतियों को कैसे लागू करें। अचल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर, कमेंट करें और आगे भी इस तरह की कंटेंट मिलती रहेगी। धन्यवाद।